देश और प्रदेश में आज से 3 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार से लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को सामूहिक अवकाश के बाद 2 फरवरी को छुट्टी रहेगी। ऐसे में बैंक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। यह हड़ताल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है, इसके बाद शनिवार को बजट पेश होगा। हड़ताल से पहले मुख्य श्रम आयुक्त ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन से वेतन को लेकर भी बैठक की, लेकिन समझौता नहीं बनने के बाद आज हड़ताल जारी की। बैंक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल से आम जनता को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज की यह हड़ताल, बैंक कर्मचारी अपना 5 साल बाद जो वेतन समझौता उनको मिलता है और जो पिछले 26 महीने से इंतजार कर रहे हैं और जो उनको समझौता नहीं मिला उसके विरोध में कल की जा रही। देश का 10 लाख बैंक कर्मचारी जो कि 1.25 लाख ब्रांचों से में काम करने वाले और राजस्थान के अंदर 30,000 कर्मचारी जो कि 3,500-4,000 शाखाओं में काम करने वाले जिसमें सफाई कर्मचारी से लेकर के और सहायक महाप्रबंधक तक शामिल हैं, आज के इस हड़ताल में शामिल हैं। देश का 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी संघर्षरत है एक वाजिब सी मांग के लिए कि 1 नवंबर 2017 से जो हमारा वेतन समझौता है वो बकाया है और वेतन समझौता संपादित नहीं किया जा रहा है। देश के सभी कार्यालयों में, यहाँ तक कि बीमा में, रिजर्व बैंक में 5 दिवसीय सप्ताह लागू है, लेकिन देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को 5 दिवसीय कार्य नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको पूरे 6 दिन काम करना पड़ रहा है। तब जबकि डिजिटल बैंकिंग लागू है, इंटरनेट बैंकिंग लागू है, तो उसको मना करने का कोई तरीका नहीं है। प्लस पेंशन जो इशू है, पेंशन अपडेशन, आज देश के बैंक कर्मचारी अधिकारियों को जो पेंशन मिलती है वो पुरानी पेंशन जो मिल रही है उसका अपडेशन नहीं हुआ सालों से। तो जो लोग शीर्ष पर भी रिटायर हुए हैं उनको इतना न्यूनतम पेंशन मिल रही है कि उसमें आजीविका उपार्जन संभव